मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 7 और मैंने नहा के पूजा कर ली, इतने सारे काम निपटा लिए। आज थोड़ा सा बहुत दिन बाद हिम्मत की है जल्दी उठने की, क्योंकि ना जब घर से आई थी ना तो आदत सी पड़ गई थी 7 से 7:30 बजे उठने की। यहाँ पे आके 6:30 पे उठने लगी थी मैं, और ना यार नहा ही नहीं पाती थी, लेट हो जाता था। लेकिन मैंने अब सोचा कि सुबह 5 बजे उठा करूँगी, तो 5 बजे उठी। अन्नु के पापा और आन्या अभी तक सो रहे हैं, तो चलो खाने में लग जाते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है सुबह सुबह। तो ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और जल्दी से डस्टिंग कर देती हूँ पूरे रूम में। बस सोफे के कवर वगैरह सही करने थे मुझे, तो सोचा वही कर देती हूँ। क्योंकि ना बच्चे इस पे खेलते रहते हैं ना, तो सोफे के कवर बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। लेकिन ना मैं जब बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग खेलते रहते हैं तब जाके कहीं ठीक करती हूँ। अभी मॉर्निंग में सब लोग सो रहे हैं ना यार, तो सुबह सुबह ना काम अगर करो तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। और जल्दी उठ के ना यही सारे फ़ायदे होते हैं कि मॉर्निंग में तसल्ली से सारे काम ख़त्म कर लो। और मैं इनके लिए बना रही हूँ एक सैलड है, जो कि मतलब ये मूंगफली भिगो देते हैं, चने होते हैं उसमें, और सोया होती है, मूंग की दाल जो होती है ना, वो सारी चीज़ें मिक्स करके, तो वही उसमें खीरा प्याज वगैरह टमाटर डाल दिए थे, हरे धनिया और नमक, तो वो काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो बस मॉर्निंग में आज बने थे हमारे घर पर आलू टमाटर की सब्ज़ी। गाइस सारा काम वगैरह करके मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। आज ना मैंने थोड़ा सा जल्दी काम निपटाया क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। सबसे पहला और ज़रूरी काम है कि मुझे थ्रेडिंग करवानी है। इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, वो तो मार्केट में जब चीज़ों को देखते हैं ना तब समझ में आता है कि अरे ये भी ले लेते हैं, ये रह गया वो रह गया, तो ना बस रेडी हो जाती हूँ। भैया भी कहीं गए हुए हैं, वो आ जाए, उसके बाद दीदी और मैं जाएंगे। और ये है मेरा ब्लाउज, साड़ी का ब्लाउज सिल के आ गया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और ना मैं पैकिंग ना अभी से कर लेती हूँ, क्योंकि ना कल मॉर्निंग में पता नहीं किस टाइम पे जाओ तो फिर अपना काम जो है वो सारे फिनिश कर ही लेती हूँ। ब्लाउज ना मेरा इतना ज़्यादा प्यारा बनाया है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब कि ना इतनी अच्छे से फिटिंग आ रही है, जब मैं पहनूंगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने एक बार पहन के देखा था तो बहुत अच्छे से, क्योंकि ना ब्लाउज मेन होता है उसका कि फिटिंग उसकी अच्छी आनी चाहिए। अगर फिटिंग ऐसी है ना उल्टी सीधी तो ब्लाउज पहनने में मज़ा ही नहीं आता यार। लेकिन इन्होंने एकदम बिंदास वाली फिटिंग की है, तो बैग तो पैक कर लिया है मैंने। अभी ना मुझे चूड़ियों के सेट और बनाने, 2 साड़ी एक पहन के जाऊंगी, एक उधर से पहन के आ जाऊंगी, तो उन साड़ियों के ना मुझे सेट बनाने, तो वो और बना लेते। हेलो मम्मी मुझे कार्टून नहीं दिखाती है। मम्मा क्योंकि वीडियो शूट कर रही है, तो बाबू को कार्टून कैसे दिखाए? गंदे बच्चे हो गए हो। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है चूड़ी का सेट बनाना, क्योंकि ना मैं जैसे कहीं जाती हूँ तो वहाँ से आती हूँ ना तो उल्टी सीधी चूड़ी ऐसी रख देती हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है कि कंगन और चूड़ी सब कुछ अलग अलग रखती हूँ, जब कहीं जाती हूँ ना तो मुझे सेट अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। तो वही मैं दिमाग लगा रही थी कि कौन सी चूड़ी के साथ कौन से वाले कंगन अच्छे लगेंगे। और ये वाला चूड़ा ना मैं लेके आई थी, पता नहीं क्या हो गया इसका ना कलर ही ब्लैक पड़ गया, बिल्कुल ख़राब ही हो गया है, जबकि ना मैंने सिर्फ 1 से 2 बार पहना है। मैं ना 3 साड़ी लेके जा रही हूँ, तो बस तीनों साड़ियों की ना चूड़ी के सेट मैंने बनाकर रख लिए हैं चूड़ी केस में। और हमारी जो आन्या है ना वो सो गई है, मैं भी यार पता है थोड़ी ना नींद में ही आ गई थी, इन्हें सुलाते सुलाते ना मुझे खुद को नींद आ रही थी, शकल पे कैसे 12 बजा रखे हैं ना मैंने। मैं ना थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ। और ये देखो मेरी चोट पहले से तो बहुत सही हो चुकी है, बस थोड़ा सा ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, खुंट बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो खुंटी बोलते हैं, ये खुंट पट जाएगा उसके बाद एकदम परफेक्ट हो जाएगा। स्वेलिंग तो अच्छे से हो चुकी है सही, तो बस मैं रेडी होती हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि 2 बज चुके हैं। दीदी कह रही है रेडी हो जाओ, जब तक भैया आए तब तक हम लोग रेडी हो जाते हैं। चलो रेडी होती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सोना मैं और दीदी ना दोनों लोग रेडी हो चुके हैं, लेकिन भैया अभी तक नहीं आए हैं। हम लोग ना तैयार होकर बाहर ही बैठते हैं, भैया जैसे ही आएंगे ना हम तुरंत चले जाएंगे भैया की वजह से ना। हाँ अभी कर रही हूँ, भैया की वजह से ना आज हम बहुत ज्यादा लेट हो गए, टाइम हो रहा है ना 3 बज गए पूरे के पूरे, और हमें टाइम भी लग जाता है क्योंकि पार्लर में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वहाँ भीड़ हमेशा रहती है। गाइज हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं और ना हमें भैया छोड़ के गए हैं, अब हम लोग सबसे पहले ना पार्लर ही जाएंगे, क्योंकि ना यार थ्रेडिंग पहले करवाते, पार्लर में होती है भीड़, वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हम लोगों को।
कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ, थक गए आप? हम लोग पैदल आए हैं आज, पता है, इतना थक गए हैं घर से। बहुत थक गए आज तो। तो मेरी थ्रेडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, अभी हो रही है दीदी की थ्रेडिंग। गाइस फाइनली हमारी थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, पूरा एक घंटा लगा हमें पार्लर में, इसीलिए ना हम लोग पार्लर पहले जाते थे, अभी ना मार्केट से थोड़ा बहुत कुछ लेना है, डायरेक्ट हम लोग घर जाएंगे। दीदी बच्चों के लिए सैंडल लेने हैं ना? ये बहुत बड़ी है। नहीं बड़ी है, ऐसी मोड़ के लगाइयो। ये नहीं दीदी, बहुत बड़ी है यार, समझो उसकी चोटी फिसल जाएंगी। पान पलट दियो, सिर्फ चिमटी चिमटी दे। और अभी हम आ गए हैं बच्चों के लिए क्लिप्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ना उस दिन लेके चले तो गए थे, लेकिन ना फिर मन किया कि थोड़े बहुत और क्लिप्स ले लेते हैं, और ये वाली क्लिप ना मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैं खुद के ही लगा के देख रही थी, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम बड़ी सी क्लिप थी, और पिंक कलर ना मेरा फेवरेट कलर है। और ये है एकदम अलग अलग डिज़ाइन के पिन हैं, जिनसे ना साड़ी भी फटने का कोई डर नहीं रहता है, इस टाइप के पिन आजकल आने लगे हैं। क्या होता है ना कि साड़ी हमारी ख़राब हो जाती है पिन की वजह से, लेकिन ये वाला जो पिन है ना बहुत सही रहता है। और अभी मैं आ गई हूँ सैंडल की दुकान पे बच्चों के लिए सैंडल लेने, लेकिन एक सैंडल रखी हुई थी, तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, सोचा पहन के देखती हूँ, लेकिन मेरे ना आई नहीं रहती पैर में। तो बच्चों के लिए सैंडल तो हमने ले ली है, ये वाली सैंडल है राधिका की, और जो एक और गोल्डन रखी हुई है ना वो है रितिका की। ये वाली सैंडल नहीं ले रहे हैं क्योंकि दीदी कह रही है ये मुझे ज़्यादा कोई खास नहीं लग रही है। सो सारी शॉपिंग हो चुकी है, अभी ना दीदी को ना अपने कान की तल्ली मिलवानी है, उनके ना तल्ली ना ढीली है कानों की, तो वो मिलवानी है, उसके बाद हम लोग खाएंगे गोलगप्पे। मेरे फेवरेट कहाँ पे है, दुकान पीछे निकल गई। यहाँ के गोलगप्पे ना यार वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो बस गोलगप्पे खा के ना हम लोगों ले रहे थे बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह। अच्छे लग रहे हैं आपको सैंडल, आपके लिए ग्रेप्स लेके आई हैं, ये ये ना ये दीदी के सैंडल है, ये देखो आपके लिए चिमटी, ये देखो आपके लिए कितनी सुंदर क्लिप्स लेके आई हैं, अच्छी लग रही है मम्मी। सो गाइस अभी ना मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ, चेंज कर लिया है मैंने, कपड़े वगैरह मशीन में पड़े हुए थे वो सारे धुले हैं, और अब मैं जा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ना यार 5 तारीख का प्रोग्राम है, तो मैं ना आज से ही लगा लूँगी, क्योंकि फिर वहाँ जाऊँगी अगर किसी ने बोला मेरे हाथों में लगा दो तो इस चक्कर में मैं अपने नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए ना मैं अपने यहीं से लगा के जाऊँगी। और आन्या के एलू लगा रही है, मैंने उसको पहले ही भेज दिया, क्योंकि ना अगर मैं लगाने बैठूंगी ना मेहंदी तो आन्या बीच में आके बोलेंगी मम्मा मेरी भी लगाओ मेरी भी लगाओ, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को निपटाती हूँ मैं, तो बस लगाने स्टार्ट करती हूँ मेहंदी, और मैं इसका वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी, जब पूरी मेहंदी लग जाएगी ना तब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ना जो डिजाइन है ना मेहंदी का वो मेरे फोन में ही है इसलिए। तो गाइज मेरी ना ज्वेलरी आ गई है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मुझे लग रहा था पता आएगी नहीं यार, और फाइनली आ गई, और बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है। आप लोगों को मुझे ना कमेंट करके बताना, और ना इतनी मेहंदी लग चुकी है, तो मेहंदी पहले लगा लेती हूँ, और आन्या आपने भी लगवा ली, आन्या भी लगवा के आ गई मेहंदी। अरे वाह आन्या की मेहंदी तो बहुत प्यारी लग रही है, मेरा बच्चा कितना प्याला लग रहा है। सो गाइस फाइनली मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना, मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिख रही होगी आपको। तो आपको मेहंदी कैसी लग रही है ये चीज ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, बड़ी मेहनत से लगाई है, मेरे ना सिर में इतनी तेज दर्द हो रहा था, मैंने 2 डिस्प्रिन साथ में खाई है, तब जाके मेरे थोड़ा सा रिलीफ मिला, उसके बाद मैंने खाना खाया है, और अभी टाइम हो रहा है 10:30, और मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, मिलूंगी जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।